Hello everybody, thought of joining for 5 minutes special Insta Live आप लोगों के साथ में. सोचा था आज से 5-5 मिनट के जब मौका मिले आपसे बात करूं. मैंने सेटअप जब मैं अपना सीटी कराने जा रहा हूं, आज मेरा 5वां दिन है. And my commitment to you all will stay. बेटे, I am feeling better, but मेरी तबीयत तो उस दिन ठीक होगी जिस दिन आप सब लोग ठीक हो जाएंगे, because आपकी जिंदगी ज्यादा important है for a doctor. Dry cough के लिए you can try ZX. ZX. CRP level 28 नाउ 53, मेड्रोल चलने दीजिए 32 मिलीग्राम एंड ब्लड थिनर भी ऐड कर दीजिए. नाउ टुडे आई वांट टू स्पेंड दिस 5 मिनट्स ऑन ब्लड थिनर. ब्लड थिनर हमारे पास में खून को पतला करते हैं. दो प्रकार के ब्लड थिनर होते हैं, एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोएगुलेंट. एंटी प्लेटलेट यानी कि एस्पिरिन 75 to 150 मिलीग्राम, दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरिन एज ए एंटी प्लेटलेट. इसके जो ऑल्टरनेटिव होते हैं वो है क्लोपिडोग्रिल. सो आप एस्पिरिन अगर ले रहे हैं तो ये एंटी प्लेटलेट है. ये क्लॉट बनने की इनिशियल प्रोसेस को रोकते हैं, इनिशियल प्रोसेस को रोकते हैं. फिर आता है एंटी कोएगुलेंट जो खून को पतला करते हैं. जो खून को पतला करते हैं, एस्पिरिन खून को पतला नहीं करता, प्लेटलेट को डिसफंक्शन करता है. एंटी कोएगुलेंट खून को पतला करते हैं ताकि रेड क्लॉट ना बने. इसमें सबसे सस्ती दवाई है वार्फ, WARF, 5 मिलीग्राम की गोली है, 1.80 रुपए की है. सदियों से हम वार्फरिन देते आ रहे हैं. तो वार्फरिन की 5 मिलीग्राम की गोली अगर आप 10 दिन ले लेते हो, प्रिवेंशन के लिए 2.5 मिलीग्राम और ट्रीटमेंट के लिए 5 मिलीग्राम, अगर आप शुरू से ही वार्फरिन को डॉक्टर के सुपरविजन में, रिमेम्बर दीज आर डबल स्वॉर्डेड मेडिसिंस, ज्यादा मिल जाए तो नुकसान, ना मिले तो नुकसान. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप अगर आप वार्फरिन एंड प्रेडनिसोलोन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, अगर ये समय पे मेडिकल सुपरविजन में मिल जाए तो आपकी जान जल्दी बच सकती है. निमोनिया दो प्रकार का होता है, एक वायरल निमोनिया, एक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी निमोनिया. वायरल निमोनिया में हम स्टेरॉयड नहीं देते, लेकिन थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी निमोनिया में हम स्टेरॉयड देते हैं, नॉर्मल वायरल निमोनिया में. इसलिए निमोनिया में अगर CRP बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर में स्टेरॉयड भी देंगे और ब्लड थिनर भी देंगे. ये चीजें आप ध्यान रखिएगा. सारे के सारे ब्लड थिनर्स एक जैसे नहीं होते. ब्लड थिनर्स कैन बी एंटी प्लेटलेट एंड एंटी ब्लड. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने कंडीशन के बारे में. आई हैव फीवर सिंस 4 डेज. RT-PCR इज नेगेटिव. माइल्ड निमोनिया, माइल्ड कोविड, नथिंग टू वरी. ड्राई कॉफ, ZX लीजिए. माई होल फैमिली इज हैविंग फीवर. सबको कोरोना हो गया है. मेरा CRP 21 है, ज्यादा है. सर, माई मदर इज डायबिटिक, वॉट शुड शी ईट? कड़वा एंड कसैला. माई अंकल इज पॉजिटिव फॉर 1 वीक. ही इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम. ऑल रिपोर्ट आर नॉर्मल बट डिनर इज स्लाइटली रेस. डी डायमर इज रेस. पुट हिम ऑन वार 5 मिलीग्राम फॉर 21 डेज. अगर किसी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है, देन ट्राई पल्मोहील, PULMO, पल्मोहील. जस्ट नीड टू नो दैट माई पेरेंट टू कोविशील्ड वैक्सीन ऑन 4th मार्च.
दो प्राइवेट थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल दोबारा कोवैक्सीन के बारे में आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं। दो लोग जो पॉजिटिव हैं दे कैन स्टे टुगेदर। सो आप सब लोगों को मेरा प्यार और नमस्कार।